अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं आपके साथ एक नई रेसिपी शिमला मिर्च और बैगन की। जो लोग नहीं भी बैगन खाते होंगे तो इंशाल्लाह उनको भी बहुत पसंद आने वाली है ये। ये आप खा सकते हैं पूरी और पराठे के साथ, आपको बहुत ही इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, देखें ये कैसे बनती है और इसमें क्या क्या डलता है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। चार हमने बैगन ले लिए हैं और हमने 5 करीब शिमला मिर्च ले ली है। तो 400 ग्राम बैगन है हमारे और 250 ग्राम करीब शिमला मिर्च है। तो इसको हम काट के दिखाते हैं आपको। और इसका डंठल है, आप चाहें तो निकाल लें, अगर आपको पसंद है तो इसको लगा रहने दें। तो ये हमारे सारे बैगन कट गए हैं और इनको अच्छे से हमने पहले भी धो लिया था और अभी भी धो लेंगे। इसी टाइप से हम शिमला मिर्च के भी टुकड़े काट लेंगे, इसके डंठल और बीज को निकाल लेंगे। ये शिमला मिर्च भी काट ली है हमने, अब बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन कर ली है हमने, अब इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो गया, अब इसमें हम बैगन लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये सारे लाइट गोल्डन कलर के फ्राई हो गए, अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसी में हम 1 बड़े चम्मच और तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक। अब हम डालेंगे 5 से 6 हरी मिर्च, 1 मिनट तक इसको चलाएंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज, ये भी हमने 4 बड़े प्याज बारीक काट लिए हैं, इसको भी ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं करना है। ये लाइट ब्राउन हो गई है, अब इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर भी हमने 3 मीडियम साइज के बारीक काट लिए हैं, इसे हमें 2 से 3 मिनट टमाटर को भी चलाते हुए भूनना है। 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इसी में डाल देंगे शिमला मिर्च, इसको भी 1 मिनट तक चलाएंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच में ढक के पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसमें डालेंगे बैगन, 1 टीस्पून डालेंगे नमक और 1 टेबलस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। इसको 1 मिनट तक चलाते रहेंगे। अब इसको 7 से 8 मिनट लो फ्लेम में पकने देंगे। 7 से 8 मिनट हो गए हैं और सब्जी भी हमारी करीब करीब पक गई है। अब इसमें 1/2 टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला, 1 मुट्ठी के करीब धनिया पत्ती डाल देंगे। अब इसको 2 मिनट तेज़ आंच में भूनेंगे। सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत ही लाजवाब बनी है हमारी सब्जी। ये आप पूरी के साथ खाइए या तो आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, तो आप भी बनाइए, ट्राई करिए बना के, देखिएगा कैसी बनी, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। जो ये सब्जी नहीं भी पसंद करते होंगे तो वो 2 रोटी की जगह 4 रोटी खा जाएंगे। तो बताइए आपको कैसी लगी हमारी बैगन और शिमला मिर्च की सब्जी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिए और हमें लाइक करिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।